अगली खबर आ रही है सोनभद्र से, जहां स्थानीय डालाकोटा ग्राम पंचायत के अम्मा टोला में बीती रात को धान की खेत में मगरमच्छ दिखने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। रात भर भय का माहौल बना रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोटा ग्राम पंचायत के अम्मा टोला में बीती रात को धान की खेत में मगरमच्छ दिखाई देते ही आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके उपरांत मंगलवार की सुबह ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया गया और कोटा बंदी में छोड़ दिया गया, जहां स्थित सामान्य है। इस दौरान टीम में क्षेत्राधिकारी इंद्रजीत पाल, वन दरोगा त्रिलोकी दुबे इरफान एवं रिंकी चंद्रा अभिषेक पांडे शामिल रहे। आप एकदम बात आप इस तरह बात नहीं नहीं आग नहीं दिखेगा ना सही आप एकदम बात दीजिए आप एकदम बात भाग रहा है आप एकदम बांध दीजिए ताकि मरेगा ना ना मरेगा नहीं मरेगा नहीं मरेगा ना है बात ही आपको ना तो यहाँ है सांस लेने की इसका पीछा वाला पैर भी बाधी अरे अपने डैम में छुड़ा है जहाँ है वो इसी डैम में है सर जी बहुत सारे मात्रा रहे हैं इतना पे चला जाएगा सर अरे रुको यार क्यों जा सकते हैं ये कब से यहाँ पे रह रहे हैं सब मगर आज कम से कम 40 साल से रह रहे हैं 40 साल पुराना एक तालाब है इसमें कितने मगर हैं इनका कोई गिनती नहीं है सर गिनती नहीं कह रहे हैं कि इनका कोई गिनती नहीं है कम से कम 50-60 से ऊपर इधर एक तालाब में मगर रह रहे हैं और इधर लोगों को खतरा भी बसा रहता है अम्मा टोला जटिया बांध कौन सा गांव है अम्मा टोला जटिया बांध कोटा अम्मा टोला जटिया बांध अच्छा ये कोटा में अभी भी मगर साफ नजर आ रहे हैं उधर ये देख लीजिए हमारी वन विभाग के रंजन साहब इधर आए हुए हैं और गांव के सभी भाई बंधु यहां आए हुए हैं जी यहां के गांव के लोग भी बहुत तेज तरार इंसान है हेल्प करने में आगे रहे और अभी भी मगर इधर नजर आ रहा है और इसको कभी मजाक ना समझे कि एक दो आदमी चले पकड़ने के लिए कि पूंछ से ही इतनी तेजी से वार कर देगा कि इंसान का कंधा अंदर टूट सकता है। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए रिश्ते को और गहरा बनाए समदड़िया आभूषण का जादू है छाए